आप सभी ने अपनी लाइफ में एक बार सोचा होगा कि मुझे एक बार केदारनाथ तो जाना ही है। तो इसी तरह मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा दिल्ली से केदारनाथ की ओर। पहाड़ों के बीच का यह सफर काफ़ी दिलचस्प होने वाला था और काफ़ी एडवेंचरस था, जो कि मुझे चाहिए था। और देखते देखते मैं पहुंच गया केदार घाटी में। दिल्ली से 600 किलोमीटर का फाइनली ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंचा केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने के बाद फाइनली मैं चला गया मंदिर में दर्शन करने। इतनी बड़ी लाइन में लगने के बाद फाइनली मुझे बहुत आराम से दर्शन हुए और मैंने दर्शन भी किए। दर्शन करने के बाद फाइनली निकल गया मैं कैंपिंग के लिए जगह देखने। और फाइनली केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे मैं ही नहीं और भी कैंप लगे हुए थे, और यहाँ पे मैं आसानी से कैंप लगा सकता था। और यहाँ से हिमालय के व्यू इतने अच्छे थे कि मानो लग रहा था मैं फाइनली स्वर्ग में आ गया। और यहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ की शाम बहुत सुहानी होती है। फिर क्या था, केदारनाथ की शाम देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और वेट कर रहा था कि कब शाम हो और मैं कब देखूँ। और देखते देखते यहाँ शाम भी हो गई और लोग सच कह रहे थे यहाँ की शाम बहुत सुहानी है। अब मुझे पता चला केदारनाथ को लोग स्वर्ग क्यों कहते हैं। मिलते हैं सोलो कैंपिंग के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेवल विद तुषार।